Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share all important current affairs of 11th March. For PDF of this video, you have to join our Telegram group, Next Exam IQ. Simply, you have to search our channel name on your Telegram app. Next Exam IQ, अपने search करना, join करना, सारे PDF आपको Telegram app पे एक साथ मिल जाएंगे. If you are visiting our channel for the first time, don't forget to subscribe our channel, hit the bell icon, so that daily morning में 5 बजे तक current affair के videos के notification पहुंच जाए. तो शुरू करते हैं. So let's start with these 12 important questions. इनके answers आपको at the end of the video मिल जाएंगे, but try to answer by yourself. So the first question is, which state has partnered with UN Women and has decided to establish country's first gender data hub? Who has become the new president of Associated Chamber of Commerce and Industry of India? Who is the author of the book Ayodhya? Which company is going to develop world largest zoo in Jamnagar, Gujarat? What is the name of cloud storage program launched by Niti Aayog as a part of Atmanirbhar Bharat initiative? India's first lithium refinery will be set up in which of the following state? Basically, there are not any options. You have to answer kaun si state mein se set up kiya jayega. India's first hot air balloon wildlife safari has launched. Kahan pe kiya gaya? Kaun si tiger reserve mein? Aapne batana hai. And ये भी बताना है कौन सी इंडियन स्टेट में है टाइगर रिजर्व. हु इज सेट टू बिकम इंडियाज यंगेस्ट मेयर फ्रॉम केरल. फर्स्ट इंडिजिनियस वैक्सीन ऑफ इंडिया अगेंस्ट निमोनिया इसे किस फार्मा कंपनी द्वारा बनाया गया. एंड यू हैव टू कमेंट डाउन द नेम ऑफ दिस वैक्सीन ऑल्सो. व्हिच स्टेट हैज अप्रूव धर्म स्वतंत्र रिलीजियस फ्रीडम बिल 2020. हु हैज वॉन प्लेयर ऑफ द ईयर सेंचुरी अवार्ड एट ग्लोब सॉकर अवार्ड. The Indian Meteorological Department has launched India's highest meteorological center in which state or UT? तो इनके आंसर्स बताइए, एट द एंड आंसर आपको मिल जाएंगे. तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. Which state oblig union territory has launched super 75 scholarship scheme for meritorious girls on the occasion of International Women's Day 2021? 8 मार्च को हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया, तो आपको बताना है सुपर 75 स्कॉलरशिप कौन से स्टेट या ओब्लिक यूनियन टेरिटरी द्वारा इसे लॉन्च किया गया. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जम्मू एंड कश्मीर. वेल अब इसमें होगा कि अंडर सुपर 75 इन स्कॉलरशिप स्कीम जितने भी मेरिटोरियस गर्ल्स हैं तो उनको बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए टू फैसिलिटेट द एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द वुमेन अंडर दिस इनिशिएटिव सुपर 75. ओके एंड इसके साथ साथ हमारे तेजस्वनी स्कीम दिस हैज ऑल्सो बीन लॉन्च अंडर दिस मिशन यूथ जे एंड के. एंड अंडर दिस तेजस्वनी फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा. 5 लाख रुपये तक का फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा. कोई भी गर्ल कोई भी प्रोग्राम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर्स तो 5 लाख रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी. समर कैपिटल है श्रीनगर, विंटर कैपिटल इज जम्मू. तो आपको याद रखना है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021. सो यू हैव टू आंसर क्या हमारा रैंक रहा. हमारा रैंक रहा 121. ओके ये आपने याद रखना है. आउट ऑफ 184 कंट्रीज हमारा रैंक रहा. एंड दिस रिपोर्ट जो ये है बिटवीन जुलाई 2019 टू जून 2020. ओके 184 कंट्रीज में जो हमारा रैंक रहा वो रहा जी 121. एंड इसमें टॉप किसने किया? सिंगापुर ने लगातार सेकेंड बार इसमें टॉप किया, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. अगर एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ की अगर बात की जाए आउट ऑफ 40 कंट्रीज़ हमारा रैंक रहा 26 में स्कोरिंग 56.5 पॉइंट्स. ओके एंड ये रिपोर्ट किसके द्वारा इनिशिएट की पब्लिश किया गया? द हेरिटेज फाउंडेशन यूएस इज कंजर्वेटिव थिंक टैंक. ओके जिस रिपोर्ट का टाइटल था इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स एंड इसके बारे में भी सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे. आगे बढ़ते हैं. सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया. एमएलएज इनसे ना खुश थे आपस में कन्फ्लिक्शंस की वजह से. इन्होंने ये सरकार छोड़ दी है एंड अपनी पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया. ओके एंड अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट्स थी उसमें ये माना जा रहा है कि जितने भी एमएलएज थे अभी 2017 में ये बने थे टू थर्ड मेजोरिटी इनके पास थी. ओके एंड डोंट नो अब क्या ऐसा हुआ इनके एमएलएज इनसे ना खुश है. उन्होंने इतना तक कह दिया कि अगर ये रिज़ाइन नहीं करेंगे दे विल ऑल रिज़ाइन फ्रॉम द पोजीशन. सो इन्होंने जाके डिसाइड किया कि इज गोइंग टू रिज़ाइन एंड इन्होंने रिज़ाइन दे दिया. तो कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं थे जी त्रिवेंद्र सिंह रावत? करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगर गवर्नर की बात करूँ बेबी रानी मौर्य वो आपको पता होना चाहिए.
who has been appointed as the chairman of APRACA, Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association. तो किसे चेयरमैन बनाया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस, नाबार्ड के चेयरमैन गोविंदा चिंताला राजुलुलू जो बने हैं द प्रेसिडेंट ऑफ APRACA. तो आपने ये ध्यान रखना. आगे बढ़ते हैं, मैत्री सेतु ब्रिज, इसका उद्घाटन किया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा. सो इट विल कनेक्ट इंडिया एंड विच कंट्री? सो दिस ब्रिज विल कनेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश. वेरी इंपॉर्टेंट ब्रिज मैत्री सेतु, ये आपने ध्यान रखना. ओके, कौन सी रिवर के ऊपर बना है? फैनी रिवर के ऊपर बना है, विच इज लाइज बिटवीन द इंडियन बाउंड्री इन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश. 1.9 किलोमीटर ये ब्रिज है. सेब्रूम इन इंडिया विद रामनगर इन बांग्लादेश को ये कनेक्ट करेगा. इसे नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया. 133 करोड़ रुपये इस पर कीमत लगी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस लगी है. तो अपने रिवर का नाम भी याद रखना है, ब्रिज का नाम तो अपने याद रखना है. India's first forest healing center inaugurated in which Indian state? Forest healing center कहाँ पे? Like अगर किसी, इसमें basically क्या होगा कि देखो heal से आप क्या समझ रहे हैं, किसी चीज़ को ठीक करना. तो अगर forest में कोई जैसे कीड़े लग जाते हैं plants में वगैरह, इस तरीके की bacterial infections वगैरह हो जाती हैं plants में, तो उनको ठीक किया जाएगा, उनको heal किया जाएगा under this initiative. So कहाँ पे उद्घाटन हुआ है इसका? इसका उद्घाटन हुआ है जी उत्तराखंड में. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये आपने जरूर ध्यान रखना है. ओके, इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट लाइकन पार्क भी उत्तराखंड में ही बना था एंड अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अभी रिजाइन भी दिया, वो अपने ध्यान रखना है. इंडियन क्रिकेट टीम हैज क्वालिफाइड फॉर इनॉग्रल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड. इंग्लैंड को हराने के बाद ये जून मंथ में शुरू होंगे एंड इंडिया ने इसमें क्वालिफाई कर लिया. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है. Which state has stopped in the land record digitization according to the National Council of Applied Economic Research Land Records and Service Index report? So ये आपको बताने की कौन सी state ने इसमें top किया, this is the question. So the correct answer for this question is option number C, Madhya Pradesh. याद रखेंगे. Next one is, what is the name of community radio station launched by Indian Army in Baramulla district in Northern Kashmir? सो कौन से रेडियो स्टेशन को उद्घाटन किया गया इंडियन आर्मी द्वारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? सो हम बात कर रहे हैं जी रेडियो चिनाब. नेक्स्ट वन इज, तशनुवा अनन शिशिर हैज बिकेम द ट्रांसजेंडर न्यूज रेट ऑफ विच कंट्री? दो किस कंट्री के तशनुवा अनन शिशिर हैज बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज रेटर ऑफ विच कंट्री? सो द कंट्री इज बांग्लादेश. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. उत्तराखंड हैज डिसाइडेड डिक्लेयर्ड विच टाउन एज अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द स्टेट? तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की. सो द स्टेट इज एंड द डिवीजन विच इज गोइंग टू बी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दैट इज गारसेन, द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड. ओके, टू कमेमोरेट 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज सेट अप ए 259 मेंबर हाई लेवल नेशनल कमेटी अंडर हुज चेयरमैनशिप? This committee is under the chairmanship of our Prime Minister Narendra Modi. Option number B is the correct answer. Next one is, which country has decided to build world first platypus sanctuary? So the country is Australia. Scott Morrison is the Prime Minister and Canberra is the capital. Who has been given the additional charge of Revenue Secretary? Ajay Bhushan Panda ji retired ho chuke hain, finally hamare finance secretary. Now the additional charge has been given to Tarun Bajaj. Which bank has announced the launch of dedicated program named Startup Unnati for mentoring women entrepreneurship by women's leader at the bank? So this initiative has been started by the bank, that is HDFC Bank. We understand your world is the tagline and Shashidhar Jagdishan is the new MD and CEO of HDFC Bank, headquarters at Mumbai, Maharashtra. After this, ये answers आपके लिए. Which state has partnered UN के साथ, UN partnership के साथ समझौता करके country's first gender data hub बनाया गया? केरल. न्यू जैम लोग प्रेजिडेंट जो बने हैं एसोचैम के, ये बने हैं वनीता अग्रवाल. अयोध्या के ऑथर हैं बुक माधव भंडारी. रिलायंस बनाने जा रहा है वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू इन जामनगर गुजरात. डीजी बॉक्स, जैसे आप गूगल क्लाउड देखते हो उसी तरीके से डीजी बॉक्स यहाँ आप अपने क्लाउड स्टोरेज कर सकते हो. सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग, सो द नेम इज डीजी बॉक्स, इंपॉर्टेंट है. लिथियम रिफाइनरी ये गुजरात में है एंड माधवगढ़ टाइगर रिजर्व विच इज इन मध्य प्रदेश.
Wildlife Safari, and the youngest mayor from Kerala, R.R. Rajendran. He's only 21 years old. Nimonosil, जो निमोनिया की वैक्सीन बनाई गई हैज बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड धर्म स्वतंत्र रिलीजियस फ्रीडम हैज बीन लॉन्च्ड बाय मध्य प्रदेश क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लेयर ऑफ द सेंचुरी एंड इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाया गया है लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में. तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने. आफ्टर दिस दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू एम्पावर 1 मिलियन वुमेन इन रूरल इंडिया. तो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. इसका आंसर आपने कमेंट करके बताया. सो गाइज विद दिस हमने आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स खत्म किए. एंड हाँ गाइज देखो लेट मी क्लियर वन थिंग. स्टूडेंट्स का मैं कमेंट पढ़ रहा था कि सर ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस आपके एक दिन बाद के हैं. सो गाइज डोंट बी वरी अबाउट दिस कि ये क्वेश्चन आप बाद में करेंगे या आज के दिवाए कल कर देंगे तो आपको कोई इफेक्ट पड़ने वाला. द पॉइंट इज कि वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आज मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हम इम्पोर्टेंट लाइक जो भी करंट डे के ही रहें. बट हालांकि कुछ क्वेश्चन हमारे स्किप हो गए थे फ्रॉम लास्ट 20 to 25 डेज. वीडियोज अगर कंटिन्यूसली नहीं बन पा रही थी सो वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट. ओके सो डोंट थिंक कि देखो ये लाइक कुछ कमेंट्स में देख रहा था कि सर क्वेश्चन कुछ पुराने हैं. इट डज नॉट इफेक्ट यूर स्टडी गाइज. लाइक वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट एंड इज नॉट अबाउट कि कुछ भी करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करना. वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू रेलिवेंट कंटेंट विच विल श्योरली हेल्प यू इन एग्जाम. ओके सो इसीलिए प्रॉपर वीडियोज वॉच करना स्टार्ट कर लीजिए एंड इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम. आई नो कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लें दे नो इट डजेंट इफेक्ट यूर प्रिपरेशन की एक दिन बाद कर लिया बाद कर लिया. ओके तो कुछ स्टूडेंट्स जो अभी बिल्कुल नए आए होते हैं फील्ड में उनके कमेंट्स में देखता हूँ सर कल का क्वेश्चन आज आपने शेयर कर दिया इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. ओके सो डोंट बी सीरी लाइक दिस. डोंट कमेंट दैट टाइप ऑफ लाइक अभी ये ऐसा होता है ऐसा नहीं होता. ओके यू आर वे प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग. बाकी कुछ दिनों के बाद हम आपको बोर्ड पे भी पढ़ाने वाले हैं. होपफुली अभी हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे एंड बाकी गॉड की ब्लेसिंग्स रही तो जल्द ही आपको डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ाया जाएगा. ओके फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा आपका. काफ़ी स्टूडेंट्स का रहता है कि सर फेस टू फेस पढ़ाया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा. इस वी ऑल्सो वॉन्ट बट चलो अब डिजिटल बोर्ड अभी तो मैं नहीं बता सकता कब तक बट होपफुली वी विल श्योरली एंड कम ऑन डिजिटल बोर्ड. बाकी उसके बाद PPTs वगैरह तो चलती रहेंगी. बाकी डिजिटल बोर्ड पे भी फेस टू फेस इंटरेक्शन होता रहेगा. बाकी आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें वीडियो को लाइक शेयर करते रहें एंड इन रिटर्न वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू प्रोवाइड रिलेवेंट एंड बेस्ट कंटेंट एवर. सो गाइस थैंक यू बेस्ट ऑफ लक. मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ. टेक केयर.